हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो है यहाँ पे अपना येस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई किया था और मेरा जो कार्ड है वो अप्रूव्ड भी हो गया है। बट यहाँ पे मैंने जो अपना कार्ड है वो ऑनलाइन ही ऑफलाइन जो है इसको अप्लाई किया था। पहले मैंने ऑनलाइन किया था तो ऑनलाइन हुआ नहीं था, तो मेरे पास मैसेज आया था बैंक की तरफ से, वहाँ से जो है मैंने इसे ऑफलाइन जो है अप्लाई किया था बैंक में जाके। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म वगैरह सब ले रखा है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी आगे। तो उसके लिए येस बैंक का ऐप दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी कार्ड इसको लॉगिन नहीं किया है, यहाँ पे लॉगिन देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ, तो यहाँ पे आके आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपका अप्लाई हो जाता है तो आप यहीं से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है बैंक में ब्रांच में जाके जो है फॉर्म लेके इसे ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है मैं जीमेल ओपन करूँगी, या मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगी। तो जीमेल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरे पास येस बैंक की तरफ से जो है मैसेज आया है। उन्होंने मेरे को ये बोला है कि मैंने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ से चेक कर, मैं इस लिंक पर क्लिक करके अपना जो है स्टेटस चेक करूँगी। तो मैं यहाँ पर जो ये लिंक है इस पर क्लिक करके आपको स्टेटस दिखा देती हूँ अपना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक को क्लिक करके मैं गूगल से ओपन कर लूँगी, क्रोम से। तो यहाँ से मैं क्रोम से इसे ओपन करके आपको स्टेटस दिखाऊंगी। यहाँ पे आने के बाद देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना होता है, और उसके बाद जो है कैप्चा डाल के सबमिट करना होता है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल के जो है सबमिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भर के और कैप्चा डाल के जो है इसे अब मैं जो इसे सबमिट करूँगी। मैंने यहाँ पर सब कुछ भर लिया है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसे सबमिट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस विद इन 5 वर्किंग डेज। ये कार्ड जो है मुझे 5 दिनों में जो है डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरा एप्लीकेशन स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो चुका है मेरा कार्ड। और ये कार्ड जो है आप देखिए मुझे कितने दिन में डिलीवर्ड होता है। जब डिलीवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्म भी दिखा देती हूँ कि मैंने जो है ऑफलाइन फॉर्म जो है भरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सारा फॉर्म जो है ऑफलाइन भर के जाके ब्रांच में इस फॉर्म को भरा था, तो मेरा जो कार्ड है वो अप्रूव्ड हो गया था। तो आप भी अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका कार्ड भी अप्रूव्ड हो सकता है। अगर ऐप से नहीं होता है तो आप ऑफलाइन जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। देखिए, मेरे पास मैसेज भी आया है कि येस बैंक की तरफ से जो मेरा कार्ड है वहाँ से 2 फरवरी को जो है वहाँ से भेजा जा चुका है, और जब मेरे पास डिलीवर्ड हो जाएगा तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखा दूँगी कि जो मुझे लिमिट है वो क्या मिली है। अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी जो लिमिट है वो क्या है। जैसी मेरी लिमिट मुझे पता चल जाएगी और मेरा कार्ड आ जाएगा, उसकी अनबॉक्सिंग करके भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।